प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज किस वीडियो में मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को मेरे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं आज आपको पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको दोस्तों पूरा क्वेश्चन पेपर कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, कितने सारे क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसमें से पूछे जाएंगे। मेरे द्वारा दोस्तों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हल सहित बताया जाएगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। तो पूरा का पूरा दोस्तों आप यहां पर देख पा रही हो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है पूरा, आप यहां से इसको देख सकते हो, कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22 और आपका सेट नंबर जो है ये आपका होने वाला है। यहाँ से आप देख पा रहे हो राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका ये है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा ये नोट कर लेना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा आप सबको ये बताया गया है। तो पूरी तरह से दोस्तों आप यहाँ से इसको देख सकते हो। अब चलिए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मेरे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये आपका क्वेश्चन पेपर का सेट ए है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये हम जो देख रहे हैं हल करके, ये आपका क्वेश्चन पेपर का सेट ए यहाँ पर आपको बताया जाएगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, जिससे कि दोस्तों आप सभी को वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान विषय का पूरा दोस्तों आपको सेट ए समझ में आ सके। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको पूरा। तो देखिएगा, पहला दिया गया यहाँ से आप देख पा रहे हो, संविधान सभा की महिला सदस्य थी, कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सरोजनी नायडू, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। और यहीं पर अगला दिया गया है, व्यक्ति के उच्चतम विकास हेतु निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? कानून, न्याय व्यवस्था, संपत्ति, अधिकार। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो जो दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, अधिकार आवश्यक है। अगला दिया गया, बहुल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर सात जो दिया गया है, इसका राइट आंसर आ जाएगा स्विस संघीय परिषद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो दो नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह है? यूनियन, इंडिया, भारत, यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यूनियन हो जाएगा, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या लिखा है? भारतीय संविधान के दर्शन का प्रमुख तत्व है। भारतीय संविधान के दर्शन का प्रमुख तत्व क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, यह नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला आ जाएगा, उपयुक्त सभी, उदारवाद, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, उपयुक्त सभी के ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। उसके अलावा दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, ये राल नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप आसानी से यहाँ से देख सकते हो। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का नाम है जिनके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में विकास नहीं कर सकता है। उक्त कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है? तो इसमें आपको दोस्तों लिख लेना लॉस की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे हो, इस जगह से दोस्तों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से दोस्तों आप सभी को पूरे के पूरे रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ से आपको देख लेनी है। तो चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है, संविधान निर्माण सभा के परामर्शदाता थे। तो संविधान निर्माण सभा के परामर्शदाता कौन थे दोस्तों? तो इस जगह पर आपको लिख लेना बी एन राव। क्या लिख लेना है? बी एन राव, इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी एन राव आपको यहाँ पर लिख लेना है।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के उपाध्यक्ष संसद का प्रस्ताव पारित करके संभव है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो जो दिया गया है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाभियोग। क्या लिख लोगे आप इसमें, महाभियोग, महाभियोग इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा। अब इसी के अलावा अगले की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पे आपको दिया गया है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर तीन में, भारतीय संसद में सदन है, भारतीय संसद में कितने सदन है दोस्तों, तो दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार की, तो क्वेश्चन नंबर चार में नगरी प्रकाशन की शीर्ष इकाई है, तो दोस्तों इस जगह पर आपको लिख लेना है नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम दोस्तों आप को इस जगह पर लिख लेना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच जो दिया गया है इसमें आपको लिख लेना रिपब्लिक, क्या लिख लेना इस जगह पर, रिपब्लिक प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या लिखा है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ है, तो नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ है, तो नागरिकता प्राप्त करने की दोस्तों दो विधियाँ है, दो विधियाँ यहाँ पे आपको लिख लेना है। अगला दिया गया, विश्व में के लिए शांति परमावश्यक है, तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा विकास, विश्व में विकास के लिए शांति परमावश्यक है, तो इस जगह पर आपको दोस्तों क्या लिख लेना है, विकास लिख लेना है। तो इस प्रकार से पूरा आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हो, इस प्रकार से आप सभी को ये प्रश्नोत्तर कम्प्लीट कर लेने हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों सही जोड़ी की तरफ, तो दोस्तों आप इस जगह से देख पा रहे हो यहाँ से आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, सही जोड़ी मिलाइए या आपसे एक गुणा छः नंबर में पूरी पूछी जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो पहला जो दिया गया दोस्तों, पहली की जोड़ी का मिलान आपको दोस्तों इससे हो जाएगा 24 मार्च 1946 से, और दूसरी जो दी गई है इसका मिलान दोस्तों आपको तीसरे से कर लेना है, सुशील चंद्रा से, और इसके अलावा तीसरी जो जोड़ी दी गई है इसका मिलान दोस्तों आपको इससे कर लेना, गणेश वासुदेव मालवंकर, और इसके अलावा पाँचवें नंबर की जो दी गई है द नंबर की जोड़ी, इसका मिलान दोस्तों आपको चौथे से कर लेना है, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, और राष्ट्रवाद की समालोचना इसका इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिएगा पूरा का पूरा जोड़ी मिलान इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को भी देखते हैं, तो यहाँ से आप दोस्तों देख पा रहे हो ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, यहाँ से आप देख पा रहे हो प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, ये भी दोस्तों आपसे एक गुणा सात नंबर में पूरा पूछा जाएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं, तो पहला दिया गया मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसका राइट आंसर आ जाएगा 1924 में, कब की गई थी दोस्तों 1924 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे हो, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिएगा दोस्तों सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसको कहते हैं कार्यपालिका, क्या कहते हैं, कार्यपालिका। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों जबलपुर में है, कहाँ पर है, जबलपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या लिखा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। तो ये हो जाने के बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, तो क्वेश्चन नंबर पाँच जो दिया गया है दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 1995 में, कब किया था दोस्तों 1995 में भारत सरकार के द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित किया गया था। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता किन आधारों पर ध्यान देती है, तो क्वेश्चन नंबर छः जो दिया गया है इसमें आपको लिख लेना अल्पसंख्यक अधिकारों पर, किस पर दोस्तों, अल्पसंख्यक अधिकारों पर, अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देती है, यहाँ से आपको ये लिख लेना है। तो दोस्तों आप इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला दिया गया मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अगोनी प्यूपिल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो क्वेश्चन नंबर सात जो दिया गया दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आपको लिख लेना केन सारो वीवो, क्या लिख लेना दोस्तों इस जगह पर, केन सारो वीवो,
केनसारो वीवो के द्वारा ये चलाया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप यहाँ से देख पा रहे हो ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्या लिखा है निम्नलिखित में से सत्य सत्य छांटिए, सत्य सत्य दोस्तों आपसे 1×7 6 नंबर में पूछे जाएंगे, तो जल्दी से हमको ये देख लेने हैं। पहला दिया गया है नौकरशाही कार्यों को क्रियान्वयन की स्वेच्छा से करती है, तो देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है फर्स्ट वाला, ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। अगला लिखा है भारत में न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जाते, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला दिया गया धर्म और राज्य परस्पर एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। समानता ही सामाजिक न्याय का प्राणत्व है, तो ये दोस्तों जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका असत्य हो क्या दिया गया समानता ही सामाजिक न्याय का प्राणत्व है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। और अगला जो दिया गया हिंदू धर्म में दलितों तथा महिलाओं को सदियों तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को सत्य असत्य लगा लेने हैं, और इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, संविधान से क्या आशय है, मौलिक अधिकारों के महत्व को बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, भारतीय चुनाव आयोग की किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए, और इसके अलावा भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखिए, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, नौकरशाही क्या है, व्यवस्था पिकासा आशय स्पष्ट करना आपको। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों आप इस जगह से देखते चले, और बराबर आप सभी लोग इन क्वेश्चन को नोट भी कर लेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका दोस्तों परीक्षाओं में इसी प्रकार का आने वाला है, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आने वाला है, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो आप पूरी तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार जरूर कर लेंगे, और साथ में दोस्तों आप सभी लोग इसको परीक्षाओं में लिखकर भी आएंगे। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिया गया है, इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बाय बाय।